गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ डिवॉर्मिंग से रिलेटेड, कि डॉग की डिवॉर्मिंग कैसे करें, कितना डोजेज उनको देना है, किस तरीके से करनी है और किस तरीके से उन्हें खिलाएं वो टैबलेट्स। काफी सारे इश्यूज मैं फेस कर रहा हूँ यहाँ पर कि डॉग को किस तरीके से टैबलेट्स खिलाना है या कितना डोजेज होना चाहिए या कौन सी टैबलेट हम प्रेफर करें। कई सारे टैबलेट्स अवेलेबल है मार्केट में, कई सारे डिवॉर्मर्स हैं अलग अलग कंपनी के, हम चूज कर सकते हैं या आप अपने वेट से पूछ सकते हैं, वो बता देंगे आपको कि कौन सा डिवॉर्मर ठीक रहेगा। यहाँ पर मैं कुछ डिवॉर्मर्स अभी लेकर आया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना डोसेज देना है, किस तरीके से आपको टैबलेट देनी है और कैसे खिलानी है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ कि हम गलती क्या करते हैं कि हम एक बार डिवॉर्मिंग करते हैं उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं। ये हमारी एक प्रोसेस है, हम इंडिया में ये चीज़ें फॉलोअप कर रहे हैं कि नहीं यार, एक बार हमने डिवॉर्मिंग करा दी तो हम 2 महीने या 3 महीने के लिए फ्री हो गए। ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हो पाता है। हम कुछ टाइम बाद, मतलब अप्रोक्स 15 से 20 दिन बाद, हम ये फिर एक्सपीरियंस करते हैं कि डॉग की आंखों से वीड आ रहा है या वो दोबारा से स्क्रैच कर रहा है खुद को, कानों पर पंजे मार रहा है, पूंछ पकड़ रहा है, कई सारे इश्यूज आने लगते हैं, या हम जो खाना दे रहे हैं वो नहीं लग रहा है उसको, तो डिवॉर्मिंग उसका एक रीजन हो सकता है। तो इफेक्टिव डिवॉर्मिंग का मैं आज प्रोसीजर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज कि कई सारी वेबसाइट्स ये बताती हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं या थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, जो डॉग लवर्स हैं उन्हें ये मोस्ट ऑफ द चीजें पता होंगी कि एकीसी ने भी अपनी वेबसाइट्स पर ये चीजें लिखी हुई हैं, या कई सारी वेबसाइट्स ये चीजें बोल रही हैं कि हमें किस तरीके से एक डिवॉर्मिंग करनी होती है डॉग की, एक एडल्ट डॉग की। कई बार हम केवल उतना करके छोड़ देते हैं कि एक बार डिवॉर्मिंग कर दी, तो उसके लिए करना क्या है कि हमें जब डिवॉर्मिंग हम करते हैं उसके 15 दिन बाद हमें वो प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना है। कोशिश करें कि हम टैबलेट को चेंज करें। इसके पीछे की रीजनिंग ये है कि जब हम अपने डॉग की डिवॉर्मिंग करते हैं, वीड आ रहा है या कोई भी इश्यूज हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि उसकी डिवॉर्मिंग है या वो रूटीन डिवॉर्मिंग है, तो उसमें जो बड़े वॉर्म्स होते हैं, एडल्ट वॉर्म्स होते हैं, वो तो किल हो जाते हैं पहले डिवॉर्मिंग में, लेकिन उनके लार्वा और उनके एग्स जो हैं वो छूट जाते हैं वापस बॉडी में, तो उनके ऊपर वो इफेक्टिव नहीं होती है। होता क्या है कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जब वो बाहर आते हैं और वो जो वॉर्म बनते हैं, तब वो फिर इशू देना शुरू कर देते हैं हमारे डॉग को। तो हम जिससे फिर एक्सपीरियंस करते हैं कि यार दोबारा से वीड आ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए अपन को करना क्या है कि 15 दिन बाद वो प्रोसेस दोबारा से रिपीट करनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डिवॉर्मर्स हैं हमारे पास। जैसे कि अभी मैं 2 डिवॉर्मर्स यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। पहला डिवॉर्मर आपका जाइडस का है और इसका नाम है अल्फा नील। ठीक है, क्योंकि मेरे डॉग का वेट 50 kg है तो मैं 5 टैबलेट लेकर आया हूँ, एक में 3 है एक में 2 है। दूसरा डिवॉर्मर मेरे पास है यहाँ पर ड्रॉन्टल प्लस, वन ऑफ द बेस्ट डिवॉर्मर है। तो कोशिश करें कि अपन हर बार चेंज करके डिवॉर्मिंग करें। ठीक है, तो अभी मैं ड्रॉन्टल से अपने डॉग की डिवॉर्मिंग करूंगा और मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से डिवॉर्मिंग अपन को करनी है। ठीक है, जो पहली डिवॉर्मिंग अपन करेंगे वो करेंगे ड्रॉन्टल प्लस से, इसमें 5 टैबलेट्स हैं, जो निकालते हैं इसको। डीजल तैयार, भी देख सकते हैं डीजल, इधर फेस दिखाओ, फेस दिखाओ, फेस दिखाओ, इसके आंखों में वीड भी आ रहा है, कई बार ये कोशिश कर रहा है, कान भी खुजा रहा है और पूंछ भी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। डीजल ऑफ, चलो अभी डिवॉर्मिंग करेंगे ना। मैं टैबलेट से काट ली है, एक एक करके टैबलेट देनी है। ठीक है, तो डीजल बैठा हुआ है डिवॉर्मिंग के लिए। डीजल चलो अपन खोलो, इस तरीके से हमें वो खोलना है। मुंह खोलो जल्दी, इजी जल्दी, और इस तरीके से अंदर रख के मुंह बंद कर, लोग अपने आप खा लेगा। गई, चलो दूसरी, अब दूसरी जल्दी जल्दी। मोहन तीसरी, जल्दी 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 जल्दी। अगर डॉग आपसे फैमिलियर है तो इशू नहीं आने चाहिए। कोशिश करें कि डॉग चबाए नहीं उसको। क्या लास्ट टाइम,
डिवॉर्मिंग हो गई है डीजल की। अब हमें डॉग को कुछ देना नहीं है, कोशिश करनी है कि जब हम डिवॉर्मिंग कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने की वजह से, अदरवाइज़ मॉर्निंग में जब डॉग आपका फ्रेश हो जाता है उस टाइम पर आप डिवॉर्मिंग दे सकते हैं डॉग को टैबलेट्स, क्योंकि रात में उसने करीब 8-9 बजे के आसपास डिनर किया होगा, पेट खाली हो गया होगा उसको सुबह तक, सुबह आप 6 बजे के आसपास उसे डिवॉर्मिंग कर दें और उसके बाद उसे 4-5 घंटे तो कुछ नहीं देना, पानी देना है ना खाना देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और 4-5 घंटे बाद हम उसे उसका ब्रेकफास्ट या लंच जो भी आप बोलें वो दे सकते हैं, और फिर कोई इशूज़ नहीं है। लेकिन हम ध्यान रखेंगे खाने के पहले 4-5 घंटे और खाने के बाद 4-5 घंटे डॉग को हम कुछ भी फीड ना कराएं, इवन पानी भी नहीं देना है, ठीक है, ओके। तो 15 दिन बाद मैं फिर एक और वीडियो डालूंगा, उसमें फिर से बताऊंगा कि सेकेंड डिवॉर्मिंग कैसे करना है। सेम प्रोसेस रहेगा हमारा, बस हम टैबलेट चेंज करेंगे और उसके बाद जैसा भी रिज़ल्ट होता है फिर मैं आपको दोबारा से एक बार वीडियो बना के बताऊंगा कि क्या रिज़ल्ट रहे, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था खुद से भी कि क्यों इफ़ेक्टिव नहीं हो रही है डिवॉर्मिंग, जबकि मैं ड्रॉन्टल या टेप वॉर्म सॉरी वॉर्म ट्रैप या बैंडी स्टार या इजी पैट, बहुत सारे डिवॉर्मर्स हैं, मैं सारे ट्राई कर चुका हूँ। तो जो ड्रॉन्टल प्लस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, ऑल दो ये सबसे महंगा है मार्केट में, लेकिन वो कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत क्योंकि हम हर 2 महीने में ही करना है तो वो कोई इश्यूज नहीं आते हैं 2 महीने 2.5 महीने में। तो नेक्स्ट वीडियो मैं रॉ डाइट के ऊपर बनाऊंगा कि हम डॉग को रॉ डाइट दे सकते हैं तो उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाकी कोई इशूज़ होते हैं, कोई कन्फ्यूजन होता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं उसे। थैंक यू सो मच।